हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहिणी और आज वंस अगेन मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। एंड यस, आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको अगेन इसका पार्ट टू लेके आते हैं। एंड यस, पार्ट टू आज बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं सारी चीजों को मिक्स करने वाली हूँ, कुर्ती, लहंगा, साड़ी, एवरीथिंग। बिकॉज पिछले वाले वीडियो में सिर्फ ओनली साड़ी की टिप्स मैंने डाली थी, तो आज के में आपको सारा कुर्ती, लहंगा, एवरीथिंग आपको आज इसमें इंक्लूडेड होगा। तो यस, इसी तरह के टिप्स एंड स्टाइलिंग टिप्स एंड फैशन, मेकअप, ब्यूटी आपको अगर पसंद होते हैं, आपको पसंद आते हैं, इंटरेस्टेड है आप इन सारे टाइप्स के वीडियो के साथ, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए हमेशा रोज लेके आती हूँ। एंड यस, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपको जस्ट एक छोटा सा चीज करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा फ्री है, यस फ्री है, सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करना, क्लिक करना। तो यस, अगर अभी तक आपने कर दिया होगा तो थैंक यू सो मच, एंड अगर तक नहीं किया होगा प्लीज डू इट यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो यस, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सारे 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 आउटफिट्स को आप किस तरह से ड्रेप अप करें, किस तरह के कपड़े पहने अगर आपका टमी फैट है, अगर आपका जो बॉडी शेप है वो थोड़ा सा बल्की बल्जी है, तो किस तरह की कुर्तीज, किस तरह के लहंगे, किस तरह की साड़ी, किस तरह के आउटफिट्स आपको पहनने चाहिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कुर्तीज की। यस, कुर्तीज आप किस तरह की पहने, सो जो भी टाइप की आप कुर्तीज पहनना पसंद करते हैं उसमें आप किस तरह की कुर्ती पहने, मैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती आप हमेशा ए लाइन कुर्ती पहने। मैं आपको यहाँ पे एक कुर्ती दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो मेरी कुर्ती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ गाउन भी बोलेंगे आपको, मैं इसको एज अ गाउन भी पहनती हूँ, एज अ कुर्ती भी पहनती हूँ। तो ये जो आप देखेंगे ये एक कुर्ती है, बट इसका जो शेप है वो है पूरा ए लाइन। ए लाइन मीन्स पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, वो अगर ए शेप में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। स्पेशली इन कुर्तीज का जो स्पेशल फीचर क्या होता है कि आपका जो बस्ट एरिया होता है वो हो जाता है इतने पार्ट में कवर। एंड जनरली ये कुर्ती इस टाइप की ही होती है जो ऊपर वाले पार्ट को आपको अच्छे से फिटेड दिखाती है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो फ्लोई होता है, एंड वो फ्लोई होने की वजह से जो आपका टमी एरिया है वो पूरी तरह से ढक जाता है, पूरी तरह से लाइक इनविजिबल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस काइंड ऑफ कुर्ती पहने जिसमें आपका ऊपर वाला बॉडी पार्ट अच्छे से फिटेड रहे एंड नीचे वाला पार्ट इतना सा अच्छा सा मोस्ट फ्लोवी फ्लेरी अच्छा रहे, तो जिससे क्या होगा आपका टमी फैट एवरीथिंग विल बी इनविजिबल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरली इस काइंड ऑफ अ फ्लोवी कपड़ों के साथ जाना पड़ेगा। आप सिल्क वगैरह के भी कपड़े के साथ जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होने चाहिए बिकॉज या फिर बहुत ज्यादा पतले चिपकू नहीं होने चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है वो अगर आपकी बॉडी को एकदम से चिपक जाएंगे तो वो एक शेप दिखा देंगे। तो हमेशा ट्राई करें आपका जो नीचे वाला पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बड़ा एंड फ्लोई ही बन सके, तो इस काइंड ऑफ कुर्ती भी आप हमेशा चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा आपके जो जो कुर्तीज रहती हैं, पार्टी वेयर कुर्तीज की बात करें तो जनरली आप अनारकली कुर्तीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें, बिकॉज अनारकली कुर्ती एक्चुअली में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं एक्चुअली क्या होता है ना, अपना जो टमी फैट होता है वो बहुत ही कम दिखाने के लिए ये कुर्तीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इससे आपका पूरा जो टमी फैट है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। तो ये अनारकली कुर्तीज बहुत अच्छा लुक भी देती है, बहुत अच्छा लुक आपका एनहांस करती है एंड बहुत आपको सुंदर दिखाती है। तो बहुत ही अच्छी कॉर्ड्स में आप कुर्तीज, अनारकली कुर्ती है जो बहुत ही ज्यादा फिलहाल तो ट्रेंड में है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी टाइप की कुर्तीज पहनती हैं तो हमेशा वो कुछ इस टाइप के पैटर्न में रहे, मतलब आपका जो भी प्रिंट है या फिर अगर आपका कोई भी वर्क है वो इस काइंड ऑफ वर्टिकल पैटर्न में रहे, कुछ ऐसा वर्टिकल रहे, जिससे क्या होगा आप वर्टिकल रहेगा तो वो आपको लंबा दिखाएगा, आपकी बॉडी को एक वर्टिकली डिवाइड कर देगा एंड आपका टमी फैट उसमें बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, बिकॉज इस काइंड ऑफ जो वर्टिकल प्रिंट्स होते हैं, वर्टिकल जो प्रिंट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को एनहांस इल्यूजन दिखाते हैं कि आपकी बॉडी लंबी है, सॉरी आपकी हाइट लंबी है एंड आपकी बॉडी को टोटली हर एक पार्ट से अच्छे से डिवाइड करके बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करके देती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप अपनी कुर्ती सिलवाती हैं
हैं या आप खुद कस्टमाइज करती हैं तो क्या कीजिए, जो आपकी साइड की स्लिट्स होती हैं, ये वाली जो साइड की स्लिट्स होती हैं, वो हमेशा आप थोड़ी सी नॉर्मल जो साइज होती है उससे थोड़ी 2 इंच ऊपर से लाइए। बिकॉज क्या होता है, वो क्या करेगा आपका, अगर यहां से टाइट हो जाएंगे तो आपका पेट बाहर दिखेगा, पेट थोड़ा सा बल्की टाइप लगेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप आपकी स्लिट्स थोड़ी ऊपर से लाएंगे तो आपका जो पेट है वो कवर हो जाएगा एंड उसके ऊपर से वो अच्छे से, ये जो स्लिट होती है वो उसके ऊपर बैठेगी, जिससे क्या होगा आपका पेट बहुत ही बल्की बल्की नहीं दिखेगा एंड बहुत ही ज्यादा टमी आपका दिख के भी नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है इस काइंड ऑफ कुर्ती। एंड हमेशा ट्राई कीजिए आपकी कुर्तीज में स्लीव्स लॉन्ग रखिए, जिससे क्या होगा आपका पूरा फैट वो होता है डिवाइड हो जाता है, या फिर 3/4 में भी अगर आप रखेंगे तो इससे ना रखते, इतना रखिए जिससे क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा आपके जो हैंड का बॉडी फैट होता है वो डिवाइड कर देता है एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाता है आपकी बॉडी को। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आप जनरली चोली कट मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट अलग होता है, नीचे वाला पार्ट अलग, चोली कट टाइप की कुर्तीज आप सिलवा सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं अगर आपको मिल जाएंगी तो। ये भी कुर्तीज आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक क्रिएट करके देती हैं, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाती हैं। तो इन टाइप की कुर्तीज, इन टाइप के आइडियाज से आप कुर्ती पहनेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्लिम एंड फिट लगेंगे एंड बिल्कुल भी आपका पेट बाहर नहीं आएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो साड़ी का। तो साड़ी किस तरह से ड्रेप करें या पहने या स्टाइल करें जिससे आपका जो पेट है वो बाहर नहीं आए। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें भी आपको थोड़े से एडिशनल टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो यस, हमेशा मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, हमेशा आपकी जो साड़ी है वो आपके नेवल पॉइंट के ऊपर ही पहने या फिर थोड़ा सा नीचे पहने एंड जनरली आप अगर उसके ऊपर भी पहनेंगे, जब आपकी पूरी साड़ी ड्रेप अप हो जाएगी तो अचानक से आपका थोड़ा सा वो जो है साड़ी की हेवी होने की वजह से वो जो आपका जो लाइन होता है वो नीचे आ जाएगा, लाइक आपका पेटीकोट जो है थोड़ा नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द हैवीनेस ऑफ द साड़ी। तो हमेशा नेवल पे पहनी एंड आपका बाद में वो नीचे आ जाएगा तो आपका जो बॉडी फैट है वो आराम से अच्छे से नीचे ऊपर अच्छे से डिवाइड हो जाएगा एंड आप बिल्कुल भी ऊपर से और नीचे से बल्कि नहीं लगेंगे, वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा स्लिम लुक आता है। थोड़ी सी हमेशा टाइट साड़ी पहनिए, आपके स्लिट्स जो हैं पल्लू के प्लीट्स जो होते हैं, जो नीचे वाले प्लीट्स होते हैं उसको बहुत ही बारीक एंड बहुत ही सुंदर प्लीट्स बनाइए, बहुत अच्छा से उसको प्लीट कीजिए। अगर आपकी सिल्क साड़ी है कॉटन साड़ी से तो आप जनरली यूज कर सकते हैं आयरन, तो आयरन से आप उसको अच्छे से फोल्ड अप कर सकते हैं एंड उसको आयरनिंग करके उसको अच्छे से प्लीट्स बनवा सकते हैं, लाइक थोड़ा सा साड़ी आपको फोल्ड कर लीजिए एंड उसके ऊपर थोड़ा सा आयरन कर दीजिए। या फिर मेरे पास एक आइडिया है, मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर समझिए मेरी ये साड़ी है तो मैं क्या करती हूँ, अगर ये मेरी नीचे वाले प्लीट्स है, अगर समझिए मेरी ये नीचे वाले प्लीट्स है तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ये वाली प्लीट्स को इस तरह से लेने के बाद, ये देखिए अगर ये समझो मेरी ये प्लीट्स है नीचे वाले, तो मैं क्या करती हूँ इसको ना इस तरह से मोड़ देती हूँ, इस तरह से इसको ऊपर 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 मोड़ती चली आती हूँ, मतलब अब देखिए आपको दिखा देती हूँ, मैं इस तरह से आपको मोड़ देती हूँ इसको, तो हम नीचे वाले प्लीट्स को इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प प्लीट्स आपको मिल जाती हैं, इस काइंड ऑफ क्रिस्प प्लीट्स आपको मिलेंगी ना, आपकी प्लीट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और हमेशा जब आपकी प्लीट्स बहुत अच्छी से क्रिस्प बनेंगी, बहुत सुंदर बनेंगी, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे एंड आपकी प्लीट्स हमेशा बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए, उसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत अच्छा एनहांसिंग एंड इल्यूजन लुक क्रिएट होता है एंड एक टॉल लुक क्रिएट होता है जो बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी को, आपके फिगर को, आपको बहुत ही सुंदर दिखाता है। इसके बाद हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर चाहे तो ओपन पल्लू रख सकते हैं, बट जनरली ओपन पल्लू अगर आप रखना चाहते हैं तो हील्स कैरी कीजिए, हमेशा हील्स कैरी कीजिए, जिससे क्या होगा आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी एंड ओपन पल्लू लेने का भी जो आइडिया होता है वो इस तरह से होता है, आप पूरा ओपन पल्लू ना ले बिकॉज क्या होता है वो आपकी पूरी बॉडी को डिवाइड कर देता है एक पार्ट में, इससे आपकी हाइट क्या होती है छोटी लगती है, आपका पेट भी बल्जी लगने लग जाता है बिकॉज आप ओपन पल्लू की वजह से आपका आधा पार्ट जो है वो पल्लू में ढक जाता है। तो हमेशा अगर आप पल्लू ले भी रहे होंगे तो आप क्या करिए, जो समझो आपका ये पल्लू है तो आप हमेशा जो ये वाला पार्ट है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बट यहाँ का जो पार्ट होता है यहाँ पे टक इन कीजिए एंड टक इन करने के बाद आपका एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एंड इस तरह से आप ऐसे फ्लॉन्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर आपका साड़ी में शेप भी बहुत अच्छे से दिखेगा, बहुत ज्यादा बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा एंड साड़ी भी बहुत ज्यादा क्लिक के आएगी। तो इस तरह से आप ओपन पल्लू भी आप अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं।
इसके बाद हमेशा मैं बोलूंगी आपको कि कभी भी छोटा वाला या फिर इतना मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे या स्लीवलेस ब्लाउज थोड़ा अवॉइड कीजिए. अगर आप बल्कि है, अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा फैटी आपका पेट है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या, आपकी जो हाइट है वो तो छोटी लगती ही है, बट अगर आप फुल स्लीव्स के या फिर एल्बो तक के ब्लाउज पहनेंगे, एल्बो तक के या फिर फुल स्लीव से, इससे क्या होता है आपकी हाइट टॉल लगने लग जाती है और आपका जो बॉडी फैट है वो डिवाइड हो जाता है. वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप थोड़े लंबे हैं, आपका पेट थोड़ा कम, एंड आपकी बॉडी में जो साड़ी जिस टाइप से ड्रेप होती है वो भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर दिखाती है कि आपकी आपकी बॉडी जिस साइड जिस तरीके से अच्छी तरह से फैट डिवाइड हुआ है तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करके देती है. बिकॉज हील्स कैरी करेंगे, अच्छे से पल्लू पहनेंगे, एंड आपका जो ब्लाउज है वो भी अगर अच्छे से होगा तो आपकी एक लुक होगी वो एकदम टॉल में आएगी, एकदम सीधे में आएगी, एंड बहुत ही आपको लंबा दिखाने के लिए एक थोड़ा एक लाइक इल्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, जिससे क्या होता है आप लंबे दिखते हैं, आपका बॉडी फैट हर जगह से डिवाइड हो जाता है. लेकिन टिप्स होती हैं, इन टिप्स की वजह से आपका हमेशा बॉडी फैट डिवाइड हो जाता है एंड आपकी बॉडी दिखने लगती है थोड़ी लंबी. बिकॉज अगर जनरली हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो आपकी बॉडी फैट को एनहांस करता है, आपकी बॉडी फैट को दिखाता है, वो आपको हमेशा छोटा एंड जो बोलते हैं ना छोटा दिखा छोटे कद का दिखाता है. तो इस टाइप के लिए आपको इल्यूजन वाले कपड़े हमेशा पहनने चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा ऊंचा दिखे, थोड़ा सा हाइट बड़ी हाइट वाले लोग दिखे, जिससे आपका फैट हमेशा छुप जाएगा. इसके लिए आपको जैसे मैंने आपको बोला कि आप इन टाइप के ब्लाउजेस पहने, इसमें आप बहुत ही ड्रामेटिक ब्लाउज भी पहन सकते हैं. जैसे आप पेपलम के जो शेप वाले ब्लाउज होते हैं पेपलम टॉप पहन सकते हैं आप, थोड़े से ड्रामेटिक वाले लाइक जैसे मैंने बताया था आपको कुर्ती ब्लाउज पहन सकते हैं, कुर्ती लाइक कुर्ती पहन सकते हैं आप, कुर्ती टॉप शॉर्ट टॉप पहन सकते हैं आप, आपके जो वेस्टर्न टॉप्स होते हैं वो भी पहन सकते हैं. बिकॉज उसके साथ आप साड़ी को स्टाइलिंग करेंगे. जैसे मैंने एक वीडियो में एक दो टॉप के साथ अपना साड़ी स्टाइल किया था, वो आप देख सकते हैं. इस तरह से आप आपके वेस्टर्न टॉप्स को भी आपके वार्डरोब में से निकालेंगे, साड़ी के साथ स्टाइल करेंगे तो बहुत ज्यादा एनहांस लुक आएगा. एंड हमेशा आप अगर अपना ब्लाउज भी बनवाते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे ड्रामेटिक लुक में बनाइए, थोड़ा सा अच्छा वाला बनाइए, थोड़ा हमेशा सिंपल सादा मत बनाइए, उसमें थोड़ा सा अलग लुक क्रिएट कीजिए. हर एक ब्लाउज से अलग होना चाहिए. इस काइंड ऑफ ब्लाउज अगर आप क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आपकी साड़ी. एंड इन टाइप की ब्लाउजेस हर एक साड़ी पे जाते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये साड़ी है और इसका ब्लाउज ये है तो इसके साथ यही पहनना पड़ेगा, और हमेशा वही चीज और वही साड़ी पहन के हमेशा हम लोग बोर हो जाते हैं. इस टाइप के चीजों को अवॉइड करने के लिए, एनहांस एंड एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये आइडियाज तो अपनानी ही पड़ेंगी. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कर सकते हैं अगर आपका ब्लाउज शॉर्ट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका ब्लाउज जो है वो लंबी स्लीव्स हो गई, आपने कुर्ती पहन लिया, लेकिन आप बोलेंगे हमारे पास जो ऑलरेडी ब्लाउज पड़े हुए हैं उसका क्या करें, तो हम उसको तो फेंक नहीं सकते हैं, तो आप उसको ड्रामेटिक बना सकते हैं. यस, आप उसको भी अच्छा सा ड्रामेटिक बना सकते हैं. अगर आपकी स्लीव्स छोटी हैं तो आप उसमें थोड़ा सा लेस लगा, आपकी साड़ी के अकॉर्डिंगली आप नीचे से जो नेट वाली लेस आती है जो कुछ ऐसा फ्रिल टाइप होती है, बिकॉज आजकल जो रफल टाइप का जो लाइक ट्रेंड आ गया है, तो आप नीचे रफल्स लगा सकते हैं जिससे आपकी स्लीव्स बड़ी हो जाएंगी. हाइट में भी आप हमेशा थोड़ा सा लंबा ब्लाउज पहने, बिकॉज क्या होता है अगर आप शॉर्ट पहनेंगे एंड नीचे आपका जो पेटीकोट होगा इसके अंदर आपका जो टायर है वो बाहर आ जाएगा, तो वो टायर बाहर ना आए या फिर बाहर आ भी गया तो वो ना दिखे, इसके लिए आपका थोड़ा सा ब्लाउज अगर बड़ा होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा. एंड यस, अगर आपके छोटे ऑलरेडी जो ब्लाउज है वो अगर आप रीयूज करना चाहते तो उसके लिए आप नीचे एक झालर आती है, एक लेस टाइप झालर आती है जो पेपलम टॉप के जनरली में यूज की जाती है, जो एक फ्रिल टाइप एक इल्यूजन देती है, उनको आप अपने ब्लाउज के मैचिंग से खरीदिए, उसमें लगाइए या फिर नेट फैब्रिक वगैरह यूज कीजिए, आप उसमें जस्ट एक स्टिच मार दीजिए, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट हो जाएगा. बिकॉज इस टाइप के आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है अलग अलग ब्लाउजेस, अलग अलग डिजाइन के ड्रामेटिक ब्लाउजेस यूज करने का, एंड अलग अलग स्टाइल ड्रेपिंग स्टाइल साड़ी के साथ क्रिएट करने का, तो ये भी आप एक बहुत अच्छा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं. इसके बाद बहुत ही सारी बड़बड़ करने के बाद अभी आता है लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज लहंगा. लहंगा मैं आपको बताना चाहूंगी, लहंगा में एवरीथिंग ब्लाउज के लिए सारी चीजें सेम है. लहंगा के लिए सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी बॉटम के बारे में, ओनली लहंगा के बारे में. हमेशा आपका लहंगा जो है वो फिश कट में या फिर स्ट्रेट फिट में ना बनाए, हमेशा उसको बहुत ही ज्यादा फ्लेरी फ्लोई बनाए. जितना घेर ज्यादा आपको मिल सकता है उतना ज्यादा घेर वाला लहंगा बनाए. बिकॉज अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी पेट है आपका, अगर आपका टमी है, टमी फैट है, तो बहुत ही ज्यादा उसको छिपाने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप
फ्लोवी एंड फ्लेरी लहंगा बनाए, जिससे क्या होगा अगर जब आप अपने कमर में उसको टक करेंगे तो आपका देखो फ्लेयर पैटर्न की वजह से वो पूरा ढक जाएगा, बिकॉज अगर आप फिश कट बनाएंगे तो बहुत ही गंदा दिखने वाला है। बहुत ही ब्लैक, मैं खुद एक ऐसा लहंगा मैंने स्टिच कराने के लिए दिया था, पता नहीं उसने क्या किया, उसने उसको इतना फिश कट बना दिया कि फिश कट नहीं, नॉर्मली लहंगा बनाने के लिए दिया था बट वो फिश कट बन गया। तो हमेशा आप अपने लहंगे को फ्लोई बनाइए, थोड़ा सा बॉडी हगिंग लहंगे कम यूज कीजिए, बिकॉज क्या होता है कि आपके लहंगे अच्छे भी नहीं लगते हैं कम फ्लेरी वाले, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं अगर वो फ्लोई हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा हमेशा अच्छी लेंथ वाला दुपट्टा यूज कीजिए, छोटे मोटे छोटे माटू जो ऐसे दुपट्टे होते हैं वो वाले दुपट्टे लहंगे में बिल्कुल मत यूज कीजिए। उसके अलावा आप दूसरे दुपट्टों को अपने जो लहंगे में, अगर दुपट्टा नहीं है, अगर आप कुछ नया रिक्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप उन दुपट्टों को मिक्स एंड मैच करके पहनिए, एंड दुपट्टे हमेशा लेंथ में एंड विड्थ में दोनों में बड़े होने चाहिए, अच्छी बॉर्डर होनी चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको अलग अलग स्टाइल में ड्रेप करें, अलग अलग स्टाइल्स में उसको पहने। हमेशा उसी एक ही टाइप का पैटर्न पहनना इज नॉट अ सेम थिंग, थोड़ा सा अलग उसको पहनिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपको एनहांस करता है आपकी लुक को, बहुत अच्छा आपको एक रिक्रिएशन देता है अगर आप हमेशा अपने दुपट्टे को, अपने लहंगे को अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में पहनते हैं तो। इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है फुटवेयर, फुटवेयर कुर्ती हो, साड़ी हो या फिर लहंगा हो, हमेशा आपकी हाइट को एंड आपके फैट को कम करने के लिए हील्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यस, कोई वेजेस पहनता है, कोई ब्लॉक हील्स पहनता है, तो हमेशा थोड़ा प्रेफरेंस हील्स में दीजिए, बिकॉज हील्स क्या करता है आपकी हाइट बढ़ाता है एंड आपका फैट जो है, बॉडी फैट जो है वो डिवाइड कर देता है। तो प्रेफरेंस मैं ज्यादा दूंगी हील्स के ऊपर, बिकॉज फुटवेयर में ज्यादा हील्स का यूज कीजिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्वेलरी, ज्वेलरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइप की ज्वेलरी पहने। अगर ये सारे आप कपड़े पहन रहे हैं बट अगर आपकी ज्वेलरी सही नहीं है तो फिर भी लुक जो है वो पूरा कटआउट हो जाएगा, तो ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा आपका जो लुक है उसको एक अच्छा सा डिवाइड करने के लिए, आपके बॉडी को अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए ज्वेलरी हमेशा ऐसी पहनिए जो आपकी बॉडी को लेंथी दिखाए, आपकी बॉडी को टॉल दिखाए एंड आपके फैट को भी डिवाइड करे। अब आप बोलेंगे ज्वेलरी ऐसी कैसे पहन सकते हैं कि जो आपकी बॉडी को डिवाइड करेगी, आपके फैट को डिवाइड करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमर में चेन पहन सकते हैं, बेल्ट पहन सकते हैं, या फिर आप इस काइंड ऑफ लॉन्ग इयररिंग्स पहने। कभी भी टॉप्स या छोटे इयररिंग्स को बिल्कुल भी ना पहने, उसको टोटली अवॉइड कीजिए अगर आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा फैटी है, तो हमेशा ऐसे लॉन्ग लॉन्ग वाले इयररिंग्स पहने, जिससे क्या होता है आप थोड़े लंबे लगते हैं। यस, इयररिंग्स से भी एक इल्यूजन आता है कि आप लंबे लगते हैं, आपका बॉडी फैट डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हमेशा गले में, अगर आपके इयररिंग्स लंबे हैं तो इसका मतलब नहीं है आप गले में बहुत ज्यादा बड़ा पहन लेंगे, नहीं, गले में बिल्कुल भी ना पहने, जस्ट अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर आप लंबे इयररिंग्स पहन रहे हैं तो आप गले में बिल्कुल ना पहने, और अगर आप कान में अगर छोटे अगर पहन रहे हैं, अगर आपको इतना लंबा नहीं पसंद है, अगर आप नॉर्मल छोटा हाइट का पहन रहे हैं तो आप गले में कुछ लॉन्ग पहनिए, गले में यहाँ पे अगर आप कुछ लंबा वाला माला पहन सकते हैं, तो इससे मतलब जो लंबे वाले जो स्टेटमेंट पीसेस आते हैं वो आप पहन सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट करके देते हैं। तो इसी टाइप की अगर आप ज्वेलरी भी आप अपने साथ अगर डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हाथ में बहुत सारी भर भर के चूड़ियां ना पहने, बिकॉज वो भी नहीं अच्छी लगती हैं। जिससे एक छोटा सा ब्रेसलेट या फिर एक छोटा सा कड़ा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी को, आपके स्ट्रक्चर को अच्छा दिखाने के लिए। तो यस, यही सारी जो आज की टिप्स थी, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सारी टिप्स थी कुर्ती के लिए, लहंगा के लिए, साड़ी के लिए, इतनी सारी टिप्स आज मैंने एक ही वीडियो में दे दी है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को और बेल बटन पे क्लिक कर देना, बिकॉज इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत 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 मेहनत लगी है, आपको पता है, एंड इन सारे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको, तो ये भी पता है, बिकॉज ये सारा कंटेंट ढूंढना, क्रिएट करना एंड आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, एंड इस लॉकडाउन के सीजन में तो आपके लिए कुछ एंटरटेनिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल चीजें लाना भी हमारा हक बनता है, बिकॉज हम आपको बोर नहीं होने देंगे घर पे। तो यस, इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इस काइंड ऑफ वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी तक आपने किया नहीं है, यस नहीं किया है, एंड कर दिया होगा तो वेरी 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 थैंक यू सो मच।
एंड कर नहीं किया हो तो प्लीज जस्ट अभी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं पे, तो क्लिक कर देना एंड बेल बटन भी आ गया होगा, देखा आ गया ना, यस उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए बिकॉज इट्स फ्री यार, फ्री है तो कर दीजिए इसके ऊपर क्लिक। एंड इसी तरह के वीडियोस अब आप अपडेटेड रहेंगे, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आएगी मोबाइल पे एंड आप हमेशा इस वीडियोस को एंटरटेन करेंगे एंड देखते रहेंगे। तो यस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।